हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर,
ओम शांति। मैं इस साकारी संगमयुगी सृष्टि पर परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। श्रेष्ठ आत्मा हूं। पवित्रता और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा स्थान इस सृष्टि चक्र में सर्वोत्तम स्थान है। मैं ब्राह्मण आत्मा पतितों को पावन बनाने वाली, पतित पावन गंगा हूं। ज्ञान सागर शिव बाबा ने श्रेष्ठ भाग्यरथी द्वारा मुझ ज्ञान गंगा को दिव्य अलौकिक जीवन दिया है। ब्रह्मा बाप के साथ मेरा भी दिव्य अलौकिक जन्म है। नई सृष्टि की स्थापना के दिव्य कर्तव्य के लिए मैं ब्राह्मण खुदाई खिदमतगार हूं। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली हूं। कल्याणकारी बाप की मैं कल्याणी आत्मा हूं। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं। सारी सृष्टि के ब्रह्मांड के आदि मध्य अंत को जानने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। मन मना भव माम एकम मंत्र के अर्थ स्वरूप में स्थित एक बाप दूसरा न कोई। माया के पर धर्म प्रकृति के धर्म से मुक्त प्रकृति जीत आत्मा हूं। कल्प वृक्ष के थूर में आदि पिता ब्रह्मा बाबा के साथ मैं तपस्या कर रही हूं। ब्रह्मा बाप के नक्शे कदम पर चलने वाली मैं शिव बाबा के आशाओं का दीपक हूं। सृष्टि परिवर्तन का आधार मैं ब्राह्मण हूं। मैं ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा हूं। दिव्य गुणधारी विश्व सेवाधारी हूं।
निश्चय बुद्धि, नष्ट मोहा आत्मा। मुझ ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। प्रकृति के आसन पर विराजमान मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा देह के बंधनों से न्यारी होती जा रही हूं और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में समाती जा रही हूं। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। उमंग उत्साह के पंखों से आकाश तत्व से पार प्रकाश के कार्ब में उड़ता जा रहा हूं। प्रकाशमय दुनिया में जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, मैं स्वयं को लाइट के कार्ब में देख रही हूं। वतन में बाप दादा मेरा आवाहन कर रहे हैं। बाप दादा के चारों ओर दिव्य तेजोमय प्रभा मंडल फैला हुआ है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रभा मंडल में मैं स्वयं को बाप दादा के सन्मुख देख रही हूं। बाप दादा से असीम प्यार की दृष्टि अनुभव कर रही हूं। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो परमात्म प्यार की पात्र आत्मा बन गई। बाबा के नैनों से मुझ पर असीम प्यार बरस रहा है। मैं बाप दादा के प्यार में समाती जाती हूं। बाबा के साथ अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। जो सुख मिलता है उसकी
मीठे बाबा, आपके सानिध्य में कितना अलौकिक सुख समाया हुआ है। यह फरिश्ता स्थिति कितनी न्यारी और प्यारी है। एक ही लगन में मगन मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। शांति, शक्ति, स्नेह और पवित्रता से संपन्न मैं फरिश्ता हूं। बाप दादा के मस्तक और नैनों से मैं पावरफुल सकाश का अनुभव कर रही हूं। जिससे बाबा मुझे परिपूर्णता का अनुभव करा रहे हैं। सर्वशक्ति स्वरूप, सर्व गुणों संपन्न बनती जा रही हूं। वरदानी मूरत बाबा मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभवी मूरत बनती जा रही हूं। मैं कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, जो भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य खींचने की कलम मुझे प्रदान की है। बाप दादा की दुआओं भरी दृष्टि मुझे संपूर्णता की ओर ले जा रही है। मैं संपूर्ण स्थिति का एहसास कर रही हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता, अत्यंत हल्का और प्रकाश के आकार में अति शुद्ध और पवित्र स्थिति में स्थित हूं। मैं फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में बाप दादा के साथ साक्षी होकर पाठ बजा रही हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि बल के द्वारा इस सूक्ष्म देह को भी त्याग कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने निराकारी दुनिया में जा रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। दिव्य चक्षु द्वारा
मैं अपने घर को देख रही हूं। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश का ये घर कितनी असीम शांति और दिव्यता से आलोकित है। इस धाम में मणियों के समान चमकती आत्माओं को देख रही हूं। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को प्रकाश पुंज के रूप में देख रही हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल फैला हुआ है। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूं। यह संपूर्ण स्वरूप कितना सुखदाई है। मुझ सितारे में सारे गुण समाहित है। मैं अनेक गुणों का पुंज हूं। सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप में स्थित हूं। मैं अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूं। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र है। इस प्यारे दिव्य वतन में चारों ओर अनंत पवित्रता की आभा बिखरी हुई है। अंतर चक्षु से मैं परम ज्योति बिंदु को निहार रही हूं। मैं परम तेजस्वी प्यारे शिव बाबा के सन्मुख हूं। बेहद के घर में बेहद बाबा के साथ हूं। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर सुखद एहसास।
यही ठिकाना तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा यही होती पूरी आस तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास बाबा के सानिध्य में स्वयं को खुश किस्मत महसूस कर रही प्राणेश्वर बाबा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। वृक्षपति शिव बाबा के साथ मैं आत्मा भी बीज स्वरूप हूं। उस परम ज्योति बिंदु के समीप अनंत अनुभव के सागर में समाई हुई हूं। शिव बाबा से प्रकाश और शक्ति की किरणें मुझे समर्थ और शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से मैं अपने पूर्व संस्कारों को मर्ज करती जा रही हूं। उनकी शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूं। ये संपूर्ण शक्तिशाली किरणें मुझे बाप समान तेजोमय बना रहे हैं। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा मेरे सारे विकर्म दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध और सत्य स्वरूप हूं। मैं आत्मा बेदाग हीरा हूं।
एक मणि हूं। निर्मल पावन मैं निराकार प्रकाशमय स्थिति में स्थित हूं। मैं अशरीरी आत्मा हूं, विदेही हूं, अकाल मूरत हूं। बाबा, मेरे मीठे बाबा, कितना न शुक्रिया करूं मैं आपका, जो आपने कितने प्यार से मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता की विरासत दी है और अपने जैसा बना दिया है। मैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित हूं। मैं आत्मा अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को स्थित करती हूं। संपूर्णता के संस्कार को इमर्ज करती हूं। सतो प्रधान स्थिति को लिए हुए परमधाम से नीचे धरती पर सतोगुणी सृष्टि में अवतरित होती हूं। सृष्टि के आदि काल सुवर्ण काल में सदा संपूर्ण सुखमय संसार में मैं चमकता दिव्य सितारा संपूर्ण देवताई स्वरूप को धारण करती हूं। दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजधारी, दिव्यता संपन्न इस पावन वैकुंठ धाम में सभी देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। यहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है और मेरा पार्ट कितना श्रेष्ठ है। यहां एक धर्म एक राज्य सत्ता है। यहां सुख शांति खुशी सब कुछ है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सुख समृद्धि और संपन्नता से भरी हुई वसुंधरा है। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य और खुशहाली फैली हुई है। हीरे जवाहरतों से सजे महल कितना मनोहारी सुंदर स्वर्गिक नजारा है, जहां हम परम पवित्र स्वरूप में हैं।
ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्म सुख भोग कर मैं आत्मा द्वापर में मंदिरों में भक्तों के पूज्य इष्ट देव स्वरूप में विराजमान होती हूँ। कितने आलिशान मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से भक्त हमें पूछते हैं, मेरा पूज्य स्वरूप का दर्शन करने कितने भक्त मंदिरों में प्रार्थना भजन आदि गा के पुकार रहे हैं, मेरा पूज्य स्वरूप भक्तों को पवित्रता और दिव्यता का दर्शन कराता है और अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं परमात्मा मेरे द्वारा पूरी करता है। परमात्मा के साथ साथ मैं भी दुखी आत्माओं को सकाश दे रही हूं। और उन्हें प्रेरित कर रही हूं कि अब संगम युग पर आकर परमात्म वर्षे के अधिकारी बने। मैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं जो स्वयं भगवान ने अपने श्रेष्ठ कार्य में मुझे मददगार बनाया है। करण करावनहार बाबा के साथ सर्व के लिए प्रेम दया कृपा स्नेह भाव के प्रकंपन फैला रही प्यारे बाबा के साथ पूरे विश्व में भ्रमण कर रही हूं। प्रकृति और सर्व आत्माओं को पवित्रता और शक्ति की किरणें दे पावन बना रही हूं।
सकेंगे अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे ये रोशनी फलक से हम पे जब किए हो मेरी जिंदगी की कश्ती प्यारे बाबा कहते हैं जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही तुम आत्मा को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज करो। चलें आज हम सब रूहानी एक्सरसाइज करेंगे साकारी आकारी निराकारी और अलंकारी स्वरूप का। देखें साकार देह में मैं चमकती हुई आत्मा मणि देह के अंदर विराजमान दिव्य आत्मा मुझसे सुंदर प्रकाश चहुं ओर फैलता हुआ आकारी आकारी
अब देखें साकार देह के स्थान पर जैसे मेरा लाइट का शरीर है और इस लाइट के शरीर के अंदर मैं आत्मा लाइट विराजमान हूं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शरीर, लाइट का शरीर, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाता हुआ। निराकारी, अब बिल्कुल अपने निराकार स्वरूप में स्थित चमकती हुई ज्योति, देखें अपने स्वरूप को। मैं निराकार, चैतन्य मणि, अलंकारी। देखिए अब अपने आप को सजे सजाए देव रूप में, अलंकारी स्वरूप में। प्रकुटी तख्त पर आत्मा ज्योति, देवताई चोले में, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, दिव्य गुणों और स्थूल आभूषणों से सुसज्जित देवताई शरीर में मैं आत्मा, साकारी। फिर से अपने आप को साकार देह में प्रकुटी तख्त पर विराजमान देखें। जैसे मैं करावनहार आत्मा, देह रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ,
चलें अब सूक्ष्म वतन में, देखें अपने आकारी फरिश्ते रूप को वहां। जैसे बाबा संपूर्ण फरिश्ते आकारी रूप में, वैसे मैं भी आकारी फरिश्ता। बाबा के सम्मुख उनकी दृष्टि से निहाल होता हूं, निराकारी। चलें अब निराकार धाम में, बैठ जाएं अपने निराकारी बीज रूप स्थिति में। अलंकारी, आ जाए देवयुग में और देवताई ड्रेस धारण कर ले, सजा सजाया अलंकारी रूप। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति, विश्व का मालिक, ऐसे ही अपने साकारे आकारे निराकारे और अलंकारी स्वरूप का सुंदर अभ्यास करेंगे। कभी यहां रहते हुए इसी देह में अपने आप को इन रूपों में देखेंगे, और कभी ऊपर सूक्ष्म वतन परम धाम और स्वर्ग में जाकर इन सुंदर स्थितियों का अभ्यास करेंगे, रूहानी एक्सरसाइज करेंगे। ओम शांति।